अनाज मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है, लेकिन बदलता मौसम किसानों को परेशान कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अंबाला की अनाज मंडियों की है, जहां इस वक्त मंडी गेहूं से लबालब पड़ी है। उठान न होने से न सिर्फ किसान बल्कि आढ़ती भी काफी नाराज है। सुनिए इसको लेकर क्या कुछ कहना है। खेतों में तो फसल कट चुकी है, पर मंडी में ये देखो जैसे बोरी पड़ा है सारा, तो लिफ्टिंग नहीं हुई तो जहाँ दाने उतारने की बहुत दिक्कत है। अगर बारिश भी हुई तो सारे दाने भीग जाएंगे, तो इससे किसान को परेशानी है, क्यों जो आड़ती तो माल सारा ले लिया, अगर भीग गया तो वो किसके जिम्मे पड़ेगा जो बेचना। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं कह रहे, एक दो दिन में हो जाएगी, पर अभी हुई आगे फिर अभी लोग बता रहे हैं फिर कैसे कहीं देखो क्या बनता है। जी अब लिफ्टिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, लिफ्टिंग नहीं हो सक रही है। अभी सरकार को पता होगा कि कारण क्या है। हम तो रोड डिमांड कर रहे हैं कि हमें गड्डियाँ दो, हम माल उठवा दें, वही लेबर बेली बैठी है, माल तकरीबन 90-95% निमट चुका है। लिफ्टिंग की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है इस टाइम मंडी के अंदर, माल उठ ही नहीं रहा, जब तक उठेगा नहीं है उससे गवर्नमेंट कहती है कि 72 घंटे बाद पेमेंट, जब तक माल की लिफ्टिंग नहीं होगी यहाँ से तब तक जिम्मेदार की पेमेंट आ ही नहीं सकती है। तो वो पेमेंटें रुकी पड़ी हैं, जिम्मेदारों के जिम्मेदार हमारे पीछे पड़ रहे हैं कि जी लाला जी पेमेंट कराओ। पेमेंट तो तभी कराएंगे जब गवर्नमेंट का माल उठेगा यहाँ से। आगे बारिश तो 26-27 तारीख की बारिश जो मौसम विभाग बता रहा है ज़्यादा दिखा रहा है 50-60-70%, लेकिन उसका हमारे पे कोई सोल्यूशन है ही नहीं। हम कितनी तरपाले घेर सकते हैं, 8-10, लेकिन हमारे तो मंडी फुल भर चुकी है इस टाइम माल के अंदर, लेकिन लिफ्टिंग की बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक जो बारिश बहुत बचाया है, बहुत ढांगे भी लगाई हैं अंदर माल की, कोशिश करिए बचाने की बहुत ज़्यादा, अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अधिकारी क्या लेटने क्योंकि हाँ कोई समस्या का हल हो ही नहीं रहा, क्या क्या के थक चुके हैं, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। अनाज मंडी माला छावनी में 1,38,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से हमने 1,30,000 क्विंटल की खरीद कर ली गई है एजेंसी द्वारा, और 43,500 क्विंटल का उठान हो चुका है। लगातार संपर्क में है एजेंसी के और ट्रांसपोर्टर के भी, हम पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस माल को शीघ्र से जल्दी उठाया जाए। हाँ पिछली बार 1,17,000 क्विंटल की अराइवल थी, तो अब तक ये 1,38,000 तक पहुँच चुकी है। संभावना है अभी भी, मैं कहूँगा कि 15-20,000 क्विंटल और आ सकती है अराइवल, तो शायद ये 1,60,000 क्विंटल के आसपास रहे। खान तो एक बार अभी तक घिना ही रहा है, तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग लगातार संपर्क में है एजेंसी के भी और ट्रांसपोर्टर के भी, इनके हमने पत्राचार भी किया है कि इस उठान को जल्दी से जल्दी यहाँ से इसका गेहूं का उठान करें। बाकी आरती फिर भी अपनी ओर से पूरा प्रयास है इनकी तरफ से कि ये गेहूं को भीगने नहीं दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।